नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आइए हम एक नए इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर चलते हैं, ठीक है? मानव रोग पर, ठीक है? मानव रोग पर चल रहे हैं, अगर हम देखें ज़रा, ह्यूमन डिजीजेज जो फैलती हैं वह जीवाणु, विषाणु, परजीवगण, प्रोटोजोआ और फंगस। हम एक एक करके इन सारी चीज़ों को डील करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक न एक सवाल कैसे न कैसे करके तो आपके एग्जाम में आपको दिखेगी ही दिखेगी। विटामिन और रोग यहाँ से, और खासकर आप प्रेजेंट का सीन देख ही रहे हैं तो रोगों से सवाल बनने के चांसेस पूरे के पूरे हैं। इस वजह से इसको बहुत अच्छे से हम डील करेंगे, इसको जरा सा भी हल्के में नहीं लेंगे, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं जरा हम कि किस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे और क्या पूछे जाएंगे। रोग तमाम हैं, लाखों रोग हैं, पर हम अपने काम के रोगों की बात करेंगे। काम मतलब हमारे काम नहीं आएंगे, ठीक है? बस जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है हम उनकी चर्चा करते हैं। चलिए यार स्टार्ट करते हैं, आते हैं जरा हम बैक्टीरिया पर, जीवाणु पर, ठीक है? आप जरा देखिए, सबसे पहले तो इसकी खोज किसने की थी? महोदय ल्यूवेनहॉक ने की थी 1676 में। होने वाले ये रोगों के मैंने नाम लिखे हैं, इनसे जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन सकते हैं, जहां से जो चीजें आपको मतलब क्रिएट की जा सकती है, उनके सब बारे में बात हमने की है, ठीक है? हो सकता है एक आग दुक्का रोग इधर उधर रह जाए, पर वो इतना हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर भी हम यहां देख रहे हैं जरा, हैजा, कॉलेरा, ठीक है, कॉलेरा। अच्छा एक बात और, जो लोग कहते हैं सर बैक्टीरिया का जीवाणु, मैंने जानबूझ के यहां लिख दिए, मैं वायरसेस में आपको नाम नहीं बताऊंगा। पूछिए क्यों? वो इस वजह से क्योंकि इनके जो बैक्टीरिया वायरसेस के नेम है वो उसी रोग के आधार पर ही रखे गए हैं। जैसे अगर मैं बात करूं हैजा, हैजा को देखिए क्या नाम है उसके जीवाणु का, विब्रियो कॉलेरी, कॉलरा से कॉलेरी, ठीक है? इसी तरह टाइफाइड से टाइफी, है ना? लेप्रोसी अगर आप देखेंगे तो लेपरेई, ट्यूबरकुलोसिस में अगर आप जाएंगे तो इसके लिए मैंने वो नहीं लिखा है, आप उसमें भी नाम एकदम सेम टू सेम वैसा ही रहेगा, ठीक है? काली खांसी, कुकुर खांसी, वूफिंग कप, टिटनेस वगैरह, तो आपको उसमें नाम में दिख जाएगा, आपको उसी रोग के नाम में ही आपको, जहां तक है मोस्टली 90% के केसेस में आपको बैक्टीरिया का नाम और उस जो है रोग का नाम में आपको मैच हो जाएगा, ठीक है? तो आप मैचिंग वाले को ऑप्शन कर सकते हैं। तो हैजा, हैजा में छोटी आंत प्रभावित होती है, जो आपके भोजन जो पच रहा होता है उसको क्या काम करती है, विलाई होते हैं, रसांकुर होते हैं, वो अपना कार्य करना बंद कर देते हैं, तो पूरा का पूरा शरीर से लिक्विड वगैरह सब बाहर हो रहा होता है हैजा में। हालांकि अब इस तरह होता नहीं, पहले चूहों वगैरह की वजह से होता था, जब बहुत ज़्यादा संख्या में चूहे मारे जाते थे तो वहां से हैजा फैलने का खतरा रहता था, खासकर पानी वगैरह से यह फैलता है, ठीक है? जीवाणु के अधिकतर जो रोग हैं वह पानी या भोजन इससे फैलते हैं, हवा से बहुत कम फैलते हैं पर फैलते हैं, पर हैजा, टाइफाइड, ठीक है, ये सब पानी के ही संक्रामक रोग, ये फैलाते हैं पानी, ठीक है? तो हैजा की अगर बात करें तो विब्रियो कॉलेरी, जिसकी वजह से होता है, छोटी आंत प्रभावित होती है। नेक्स्ट आते हैं टाइफाइड, टाइफाइड में देखिए साल्मोनेला, टाइफी, बुखार रहती है, कमजोरी रहती है, मेनली यकृत प्रभावित रहता है, भूख नहीं लगती इसमें, और काफी टाइम बाद ये पता लगता है, रहता है टाइफाइड लेकिन लोग इग्नोर करते हैं, दिखाते नहीं है, 4-5 महीने बाद मालूम लगता है कि यार हमें तो टाइफाइड, फिर उसको मैनेज करने में और समय लगता है। तो टाइफाइड के लिए साल्मोनेला, टाइफी, बुखार, कमजोरी, यकृत प्रभावित होता है, लीवर, ठीक है? आगे आते हैं डायरिया, अतिसार, ठीक है, इसके लिए जो है आपका कौन जिम्मेदार है, ई कोली, खासकर बच्चों में इसका खतरा बढ़ जाता है, जिंक वगैरह की मात्रा कम हो जाती है, डायरिया का बढ़ने खतरा कम बढ़ जाता है, ठीक है? विटामिन ए की कमी भी कहीं ना कहीं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थी, आपने देखा होगा विटामिन का अगर आपने क्लास किया होगा तो, क्योंकि विटामिन ए कम होगा, शरीर के जिंक वगैरह सोखने की क्षमता कम हो जाएगी, तो यहां से डायरिया का बढ़ने का खतरा बढ़ जाएगा। ई कोली नाम का जीवाणु इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, डायरिया के लिए, अतिसार के लिए, खासकर छोटे बच्चों में यह ज्यादातर देखा जाता है। कुष्ठ रोग, लेप्रोसी, ठीक है, इसके लिए माइक्रोबैक्टीरियम लेपरी, कुष्ठ रोग में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, हो सकता है उनको लगे ये फंगस है, जी नहीं, फंगस नहीं है, कुष्ठ रोग जो होता है आपका वो बैक्टीरिया की वजह से है, इस बैक्टीरिया का नाम है माइक्रोबैक्टीरियम लेपरी, ठीक है ना, माइक्रोबैक्टीरियम लेपरी इसके बैक्टीरिया का नाम है। और यहां पर कुष्ठ रोग में जो आपकी गांठें हैं, वैसे चाहे पांव की हो गई या नाखून के किनारे हिस्से हो गए, ये ज्यादातर प्रभावित होते हैं, त्वचा तो होती ही होती है, पर ये जो आपके जॉइंट्स हैं, जहां पर मेनली जो उभरे हुए जॉइंट्स हैं, जो कि आपके हवा वगैरह के संपर्क में है,
ये वहां से ज्यादा प्रभावित होते हैं आपका कुष्ठ रोग में। ट्यूबरकुलोसिस क्षय रोग, दवा का नाम जो है बीसीजी है, ठीक है, ये याद रखिए, बीसीजी का टीका लगाया जाता था, बैसिली कालमेटी ग्यूरिन, इसका फुल फॉर्म है बैसिली कालमेटी ग्यूरिन। ट्यूबरकुलोसिस को क्षय रोग कहते हैं, ज्यादातर फेफड़े प्रभावित होते हैं, लेकिन यह पूरी तरीके से कहना गलत है, पूरी तरह से यह कहना सही नहीं होगा कि यह सिर्फ और सिर्फ फेफड़ों को प्रभावित करता है, यह शरीर के और हिस्सों में भी हो सकता है टीबी, जरूरी नहीं है सिर्फ फेफड़े, लेकिन मोस्टली ये देखा जाता है कि जो आपका ट्यूबरकुलोसिस है वह फेफड़ों को ही प्रभावित करता है। आगे आते हैं यार, काली खांसी, कुकुर खांसी या वूफिंग कफ कहते हैं, ठीक है, इसमें भी आपके फेफड़े ही प्रभावित होते हैं। कुकुर खांसी में बहुत तेज खांसी आती है और भारी खांसी आती है, भारी आवाज की खांसी आती है, उसमें वूफिंग कफ कफ भी ज्यादा निकलता है, यह भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से है, जीवाणु संक्रामक रोग है काली खांसी या कुकुर खांसी, ठीक है। अब जरा आगे आते हैं, जरा देखें आप, आपको यहां पे दिख रहा होगा टिटनेस, ठीक है ना, टिटनेस भी आप देखेंगे, जंग लगी चीजों से अगर चोट वगैरह लग गया तो टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। इसके जो जीवाणु होते हैं वह मिट्टी और हवा में पाए जाते हैं, तो हवा से ही जंग लगती है, या मिट्टी में फावड़ा वगैरह अगर आप चला रहे हैं, या कोई भी ऐसी चीज है जो मिट्टी में बराबर इस्तेमाल हो रही है उससे चोट लग रही है, तो आपका टिटनेस का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा। एक टिटनेस का इंजेक्शन 6 महीने तक के लिए वैलिड रहता है, अगर उसके दौरान फिर चोट लग जाती तो आपको वापस इंजेक्शन लगवाने की आवश्यकता नहीं है। इसके बाद अगर देखें, इसके टीके का नाम क्या भैया, टिटनेस टॉक्साइड, टिटनेस के टीके का नाम क्या है, टिटनेस टॉक्साइड, तंत्रिका तंत्र प्रभावित करता है, नर्वस सिस्टम प्रभावित करता है, ठीक है। इसके बाद इस टीके की खोज जो थी वो बेहरिंग साहब ने की थी 1890 में, टीके की खोज किसने की थी, बेहरिंग साहब ने की थी 1890 में की थी, तो ये रही टिटनेस की बातें। इसके बाद अगर हम देखें डिप्थेरिया, डिप्थेरिया में क्या होता है, मोटे मटमैले रंग की एक परत गले में आ जाती है, जिसकी वजह से सांस लेना बोलना मुश्किल हो जाता है ना, और इसके लिए कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरेई, आप देखें डिप्थेरिया में डिप्थेरेई आ रहा है ना, टिटेनस में टिटैनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, तो आप देखिए नाम में ही उसके आ जा रहा है, तो डिप्थेरिया में नाक और गला प्रभावित होते हैं, और उसके जीवाणु का नाम क्या है भैया, कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थेरेई। इसके बाद और देखें निमोनिया, निमोनिया में देखिए डिप्लोकोकस निमोनी, यहां पर भी निमोनिया से निमोनी आ गया, फेफड़े प्रभावित होते हैं, जनरली इसमें क्या होता है, लंग्स में कभी कभी पानी भर जाता है, ठीक है, वो या शीत आ जाती है निमोनिया के केस में, खासकर छोटे बच्चों और बुजुर्गों में यह देखा जाता है। एंड लास्ट आते हैं गोनोरिया, गोनोरिया यौन संक्रमण रोग है, ठीक है, यौन संक्रमण रोग का मतलब आप उसको एड्स वगैरह की कैटेगरी में नहीं रख सकते, जानलेवा नहीं है, पर यह यौन संबंध से फैलता है एक से दूसरे शरीर में, ठीक है। तो ये आपका रहा बैक्टीरिया का सेक्शन, ये रहा आपका पूरा बैक्टीरिया का सेक्शन, यहाँ से जितने भी पॉसिबल उस तरह के रोग है जो इम्पॉर्टेंट हैं उनको यहाँ पे हमने डिस्कस किया है। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें तो बहुत अच्छा रहेगा, है ना, कि ये पूरे के पूरे जो रोग हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर टीबी, टिटनेस, डिप्थेरिया, निमोनिया, काली खांसी, कुष्ठ रोग, ये इंपॉर्टेंट है, इसके यहां से सवाल आपकी पक्का है बन सकती है। चलिए हम नेक्स्ट पर आते हैं, नेक्स्ट है हमारा आपका क्या भैया, विषाणु, विषाणु से होने वाले रोगों को जरा हम डिस्कस करते हैं, चलिए आगे चलते हैं। देखें विषाणु की खोज किसने की है, विषाणु की खोज की हुई है आपके दिमित्री इवानोव्स्की ने, इन्होंने 1892 में खोजा था। टोबैको वायरस की इन्होंने खोज की थी, टोबैको जो सबसे पहला विषाणु खोजा गया था टोबैको वायरस था, याद रखिएगा जो वायरसेस हैं आपके, जो आपके विषाणु हैं वह आपके जीवित और अजीवित की सीमा रेखा पर आते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं जरा अब हम आगे इसमें विषाणुओं में, गलसुआ जो सबसे बड़ी लार ग्रंथि है जिसको पैरोटिड ग्रंथि कहा जाता है, उसमें सूजन आने पर क्या होता है, गलसुआ नामक रोग होता है, और वह होता है रूबूला वायरस की वजह से। नेक्स्ट आते हैं जरा देखें ट्रैकोमा रोहे, नेत्रों में सूजन आ जाती है रोहों में। हेपेटाइटिस बी, इसमें यकृत प्रभावित होता है, प्लीज यहां याद रखिएगा, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस सी, इसके कैटेगरीज
पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं है। आप केवल हेपेटाइटिस बी याद रखिए, इसमें यकृत प्रभावित होता है। अमिताभ बच्चन जी को कूली में जब चोट लगी थी उनको इन्फेक्टेड ब्लड चढ़ा दिया गया था, तो वहाँ से उनको हेपेटाइटिस बी है। उनका लीवर जो है वो इस समय मतलब आप 40% पर है, एक दिन मैं देख रहा था शो तो उन्होंने खुद बताया था इस बारे में। ठीक है, तो एड्स पे आते हैं जरा। एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, या इसका फुल फॉर्म है, फुल फॉर्म याद रखिएगा, एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। प्रतिरक्षा तंत्र, इम्यून सिस्टम प्रभावित हो जाता है। इम्यून सिस्टम के प्रभावित होने का अर्थ है कि आपकी प्रतिरोधक क्षमता ऐसे खत्म हो रही है। सपोज आपको बुखार आया, आप पैरासीटामोल टैबलेट खा रहे हैं, आपको वो असर ही नहीं करेगी, बुखार का बुखार बना रहेगा, हो सकता है महीने भर बना रहे। चोट लग गई अगर, घाव ही नहीं भरेंगे आपके, तो इम्यून सिस्टम आपका पूरा का पूरा खत्म होने लगता है। इसकी जांच के लिए एक टेस्ट किया जाता है जिसको एलिसा टेस्ट बोलते हैं। एलिसा टेस्ट का मतलब है, एलिसा का फुल फॉर्म है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एसे। यह एड्स की जांच के लिए किया जाता है, इसमें इम्यून सिस्टम इसमें पूरा का पूरा प्रभावित होता है। हर्पीस, हर्पीस यहां पर मैंने इसलिए लिखे दाद नहीं है, आपके कई आप इसको खोजने जाएंगे नेट वगैरह पे, हर्पीस लिखेंगे तो हिंदी के सेक्शन में दाद आने लगता है कभी कभी। ठीक है, प्लीज इसको मान के चलें, हर्पीस दाद नहीं है। यह हर्पीस सिंप्लेक्स वायरस के कारण फैलता है। गुप्तांग जो है वहां पर, या जैसे अगर ये बगल की मैं बात करूं, जो आपके जो ढके हुए पार्ट्स हैं जनरली यह उन पर आपका असर दिखाता है। तो हर्पीज वायरस, हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस गुप्तांगों को प्रभावित करता है। हाँ, दांत के जैसे सिम्टम्स इसके जरूर रहते हैं, पर इसको आप प्योरली दांत नहीं बोल सकते हैं। दांत फंगल है और यह वायरस की वजह से होता है हर्पीज। और किस वायरस की वजह से? हर्पीज सिंप्लेक्स वायरस। ठीक है, तो हर्पीज के लिए याद रखिए कि हर्पीज दांत नहीं है। पत्तेनुमा निशान पड़ने लगते हैं शरीर पर, गुप्तांग जो है आपके ज्यादा प्रभावित होते हैं इसकी वजह से। आगे आते हैं जरा, चिकन पॉक्स बहुत अच्छे से याद रखिएगा। चिकन पॉक्स को छोटी माता बोला जाता, पर छोटी माता बोल के सवाल नहीं आएगा, बोलेगा तो चिकन पॉक्स बोलेंगे। इसमें बड़ी माता और छोटी माता में अंतर बहुत जरूरी है जानना, जरा देखें क्या है। छोटी माता में बुखार और दाने एक साथ आते हैं। सपोज अगर सुबह बुखार आया तो हो सकता है दोपहर तक आपके शरीर में दाने निकाला। हाँ, जो दानों का साइज होगा वह बड़ी माता के हिसाब से काफी छोटा रहता है। तो और इसके लिए जो विषाणु उत्तरदायी है उनका, उसका नाम है वेरिसेला जोस्टर। वेरिसेला जोस्टर वायरस जो है चिकन पॉक्स के लिए उत्तरदायी है। बुखार और दाने एक साथ आते हैं। बड़ी माता पर आ जाए चेचक भी बोला जाता है। स्मॉल पॉक्स, स्मॉल से बड़ी माता पर कंफ्यूज मत हो जाइएगा, ऐसे याद रख लीजिए स्मॉल है तो इधर बड़ी माता। ठीक है, अगर इसको देखें तो दाने आने के 3-4 दिन पहले से बुखार आ रहा होता है। सपोज सोमवार को आपको क्या आया, बुखार आया, तो हो सकता है बृहस्पतिवार तक आपके शरीर पे दाने आ जाए अगर आपको बड़ी माता है या स्मॉल या चेचक हुई है। तो यहां पर आपके शरीर पे बड़े बड़े दाने निकलने लगते हैं 3-4 दिन बाद, बुखार आने के 3-4 दिन बाद। तो ये अंतर है, बुखार और दाने आने के टाइमिंग में अंतर होता है, इस वजह से आपको इसको यहां याद रखना है। वेरियोला मेजर, वेरियोला मेजर जो है विषाणु उसके लिए उत्तरदायी है। टीके की खोज, चेचक की टीके की खोज एडवर्ड जेनर साहब ने की थी, इनको याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। तो बड़ी माता छोटी माता क्लियर। आगे आते हैं जरा पोलियो पर। पोलियो के लिए भैया जो उत्तरदायी वायरस है उसका नाम है पोलियोमाइलेटिस वायरस। पोलियोमाइलेटिस वायरस, जहां पे मैंने वायरसेस लिख दिए हैं जिनके नाम, वही इंपॉर्टेंट है। हो सकता है एक आध दो में मैंने नहीं लिखे, वहां से वो सवालें नहीं बनेंगी। ठीक है, जहां तक चांसेस है नहीं बनेंगी। तो पोलियो के लिए पोलियोमाइलेटिस वायरस तंत्रिका तंत्र प्रभावित करता है। हो सकता है अगर उसके प्रभावित होने के बाद शरीर की वृद्धि नहीं हो पा रही है सही से, कोई अंग सही से जो है आपका फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं कर सकता है। ठीक है, या उसका विकास सही से नहीं हो सकता है, ये सब सिम्टम्स इसमें देखे जाते हैं। इसका जो टीका था वो जोन्स साल्क साहब ने बनाया था। जोन्स साल्क साहब ने पोलियो के टीके की खोज की थी। पल्स पोलियो अभियान हमारे यहाँ 1995 में स्टार्ट हुआ था। इसके स्टार्ट होने के बाद जो है हमारा ये ध्येय था कि हम जो है पोलियो को हमें जड़ से खत्म करना है। तो सरकारी डाटा के अनुसार 2014 के बाद पोलियो के केसेस नहीं पाए गए, इस वजह से माना जा रहा है कि 2014 में भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। सॉरी, लेकिन अभी भी पोलियो के टीके बच्चों को पिलाए जाते हैं कि कहीं अगर जरा सा भी कोई माइनर केस भी हो तो उसको डील किया जा सके, वापस इसको हमें बढ़ने नहीं देना है। पल्स पोलियो अभियान के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन जी है, तो थोड़ा सा जनरल नॉलेज है, आप इसको थोड़ा याद रखें। ठीक है, खसरा मीसल्स,
ठीक है, खसरा मीसल्स, दाने आ जाते हैं शरीर पर, स्किन प्रभावित होने लगती है। इसके लिए पॉलिनोसा मार्बिलोरम नामक विषाणु आपका जो है उत्तरदायी है, पॉलिनोसा मार्बिलोरम। आगे आते हैं, जरा देखते हैं डेंगू। डेंगू जो है मादा एडीज मच्छर द्वारा फैलता है। यहां पर प्लीज एक चीज आप याद रखिए कि फैलना और होना दोनों अलग अलग बातें हैं। डेंगू होता किसकी वजह से है? यह विषाणु जनित रोग है। क्या जनित रोग है? विषाणु जनित रोग है। लेकिन यह फैल किससे रहा है? मादा एडीज द्वारा। अगर आपको सवाल आती है कि भैया कि डेंगू किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है, तो जाहिर सी बात है विषाणु की वजह से होता है। और सवाल अगर यह बने कि डेंगू किसकी वजह से फैलता है, तो फैलता किसकी वजह से? मादा एडीज मच्छर की वजह से फैलता है। ठीक है, इसमें रक्त में मौजूद प्लेटलेट्स घटने लगती हैं। रक्त में मौजूद प्लेटलेट्स घटने लगती हैं। प्लेटलेट्स का मुख्य काम जहां तक आता है वो आता है रक्त के थक्कों को जमाने के लिए। और शरीर में और भी काम है इसके, लेकिन अगर एक इसके हिसाब से देखें बात, तो प्लेटलेट्स का जो काम है वो क्लॉटिंग में काफी सहायक होता है। ठीक है, इसे हड्डी तोड़ भी बुखार कहते हैं। ज्वाइंट पेन बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, जहां जहां भी आपके शरीर के ज्वाइंट्स है, जोड़ है, जोड़ों में बहुत ज्यादा दर्द होता है, बुखार बहुत तेज रहता है, ब्लैकआउट्स होने लगते हैं, खड़े होंगे तो ऐसा अंधेरे जैसा आपको लगने लगेगा, ये इसके प्रॉपर सिम्टम्स हैं डेंगू के। होता किसकी वजह से है? वायरस की वजह से। फैलता किसकी वजह से? मादा एडिस मच्छर द्वारा फैलता है। आगे आते हैं रेबीज। रेबीज को हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं। यह तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। कुत्ते या बिल्ली या बंदर के ये काटने से जनरली फैलता है। और इसमें हाइड्रोफोबिया इसीलिए नाम ही दिया, हाइड्रो मतलब पानी, फोबिया मतलब डर, पानी से डर लगने लगता है इसमें, जो इससे इस वायरस से ग्रसित हो जाता है रेबीज वायरस से, उसको पानी से डर लगने लगता है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। पीलिया में आते हैं जरा, पीलिया में जरा देखें जॉन्डिस। जॉन्डिस कहा जाता है, इसमें मुख्य अंग जो प्रभावित होता है वह होता है यकृत। शरीर में येलोनेस आ जाती है, शरीर में पीलापन आ जाता है, नाखून वगैरह में आप देखेंगे, दबा के लोग देखते हैं तो वहां पे पीलापन उनको दिखने लगता है। जब आरबीसीज बहुत अधिक मात्रा में टूटने लगती हैं, तो बिलरुबिन नामक पीले सब्सटेंस का निर्माण करती हैं, और यही बिलरुबिन की एक्सेस मात्रा होने की वजह से यकृत के कार्य करने की क्षमता कम हो जाती है, और यकृत के कार्य करने की क्षमता कम होने की वजह से भूख वगैरह नहीं लगती है, और शरीर जो है प्रॉपर समय के साथ कमजोर होने लगता है। ठीक है, चिकनगुनिया। चिकनगुनिया में भी जो है शरीर पर लाल निशान पड़ जाते हैं, बहुत तेज बुखार रहता है, मच्छरों के द्वारा ही फैलता है, इसमें भी प्लेटलेट्स की संख्या कहीं ना कहीं घटने लगती है। हाँ, जो नॉर्मली प्लेटलेट्स की संख्या है बॉडी में वो 2.5 से 3.5 लाख तक रहती है, आगे पीछे कर सकता है, डाटा मैं श्योर नहीं हूं, मतलब एक रेंज हम लोग लेते हैं ना हमेशा, तो 2.5 से 3.5 लाख तक। ठीक है, और आगे पीछे हो सकता है 10, 12, 15 हजार, जिसका जो भी जिस हिसाब से शरीर है वो आगे पीछे चीजें हो सकती हैं, तो 2.5 से 3.5 लाख तक रहती हैं नॉर्मल बॉडी, ह्यूमन बॉडी में, और चिकनगुनिया में भी कहीं ना कहीं प्लेटलेट्स की संख्या घटने लगती है। आगे आते हैं यार, जरा इन्फ्लुएंजा फ्लू पर आते हैं। इन्फ्लुएंजा में अगर देखें तो H1N1 स्वाइन फ्लू कहा जा रहा है। स्वाइन फ्लू का मतलब है सुअरों के द्वारा फैलने वाला है फ्लू है। नेक्स्ट पर प्रोटोजोआ पर, इससे होने वाले रोग के बारे में जरा बात करते हैं हम। मलेरिया, मलेरिया प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, उसका नाम है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण होता है, प्लाज्मोडियम पैरासाइट। मलेरिया जो है आपका मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है ना कि होता है। ठीक है, मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। मादा एनोफिलीज फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलता है। प्रभावित अंग जरा देखें, इसमें जो प्रभावित अंग हैं वह आपका स्प्लीन्स। स्प्लीन्स को आप तिल्ली भी बोल सकते हैं, प्लीहा बोल सकते हैं। ठीक है, तो स्प्लीन्स और तिल्ली जो है इसमें प्रभावित आपके अंग हैं।
और मादा एनोफिलीज मच्छर के द्वारा यह फैलाया जाता है, और इसके लिए उत्तरदायी पैरासाइट का क्या नाम है? प्लाज्मोडियम पैरासाइट। ठीक है, इसमें अगर आप जरा देखें, थोड़ा सा यहाँ एक्स्ट्रा जानकारी आपको दे रहा हूँ। स्प्लीन्स, प्लीहा, प्लीहा को ही आरबीसी की कब्रगाह कहा जाता है। आप आरबीसी की कब्रगाह कहा जाता है, कहीं नोट कर लें आप इस चीज को, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। क्या बोला जाता है इसको? ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज, ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसीज। यहीं पर लाल रक्त कणिकाएं अपना दम तोड़ती हैं। एक बात और याद रखिए, प्लीहा को ही रक्त का संचित भंडार भी कहते हैं, ब्लड बैंक भी कहते हैं। क्या बोलते हैं भैया? ब्लड बैंक भी बोला जाता है प्लीहा को। प्लीहा को मानव शरीर का ब्लड बैंक बोला जाता है। एक बात याद रखिए, आरबीसीस का निर्माण अस्थि मज्जा में होता है, बोन मैरो में होता है, लेकिन जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है, इनिशियल स्टेज में जब उसका निर्माण हो रहा होता है, नए जीवन का निर्माण हो रहा होता है, तो उस समय जो आरबीसीस बनती हैं, लाल रक्त कणिकाएं जो बनती हैं, वह आपकी प्लीहा में बनती हैं, ना कि अस्थि मज्जा में बनती हैं। तो वो भी कहीं नोट कर लेना आप कि युवावस्था या एक जैसे अगर मैं कहूँ कि जब बच्चे का जन्म हो जाता है उसके बाद अस्थि मज्जा में बनना स्टार्ट होती है, लेकिन जब बच्चा भ्रूण अवस्था में होता है तब उस समय जो लाल रक्त कणिकाएं हैं उनका जो निर्माण है वह कहाँ होता है? वह होता है आपका स्प्लीन्स में, प्लीहा में, या पेट में अवस्थित होती है। छोटी सी होती है, पेट में अवस्थित होती है, इसी को रक्त का संचित भंडार भी कहा जाता है। और आरबीसी की कब्रगाह किसको कहा जाता है? आरबीसी की कब्रगाह भी किसको कहा जाता है? प्लीहा को ही कहा जाता है। तो यहाँ पे इन चीज़ों को याद रखिएगा। मलेरिया के केस में बुखार बहुत तेज रहता है, कमजोरी आने लगती है, और कहीं ना कहीं यकृत भी इससे प्रभावित रहता है। पर अगर मोस्टली पूरा ओवरऑल बात करें तो इसके लिए कौन सा अंग सबसे ज़्यादा अगर वो होता है, पर प्रभावित होता है, तो उसके लिए है प्लीहा स्प्लीन्स। ठीक है, इसके लिए आपकी एक दवा आती है, उसको याद रखिएगा, कुनैन, कुनैन नामक दवा आती है। इसको आप कुनैन ऐसे भी बोल सकते हैं, कुनैन नामक दवा मलेरिया में जो है लाभकारी है। इसको प्राप्त कहाँ से किया जाता है? सिनकोहना नामक पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। हिंदी में इसको आप ऐसे लिख लें, सिनकोहना नामक पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है। सिनकोहना नामक पेड़ की छाल से प्राप्त किया जाता है क्या? कुनैन, कुनैन नामक दवा आपकी सिनकोहना नामक पेड़ की छाल से प्राप्त की जाती है। उत्तरदायी है प्लाज्मोडियम पैरासाइट। मादा एनोफिलीज मच्छर द्वारा यह फैलाया जाता है। प्रभावित अंग है प्लीहा। प्लीहा के बारे में थोड़ी सी जनरल नॉलेज मैंने दी, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कभी कभार पूछ ली जाती है। क्लियर, चलिए हम आगे चलते हैं। इसके बाद अगर आप देखें तो एक रोग और आता है, प्रोटोजोआ से ही उसका लेना देना है। ठीक है, उसको आप कह लीजिए आप स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस, स्लीपिंग सिकनेस। होता इसमें क्या है स्लीपिंग सिकनेस में? ये कोई बहुत ज़्यादा सोने की बीमारी नहीं कहेंगे आप इसको, इसमें आदमी एकदम सुस्त पड़ जाता है, उसके दिमाग में सूजन आ जाती है, और यह फैलता है किसकी वजह से? यह फैलाता है सीसी मक्खी द्वारा यह फैलाया जाता है। और क्या फैलाया जाता है इसके लिए? जो आपको पैरासाइट जिम्मेदार है वो है ट्रिप्नोसोमा गैबियन जो है इसके लिए उत्तरदायी है। इसको फैलाएगा कौन? सीसी मक्खी फैलाती है। खासकर यह आपका अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिलती है, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में मिलती है, ठीक है ना? अफ्रीका के आप वहाँ से, अफ्रीका से मक्खी वहाँ पर ज़्यादा है। ठीक है, सीसी मक्खी जो है इसको फैलाती है, और इसके लिए पैरासाइट का कौन जिम्मेदार है? ट्रिप्नोसोमा गैबियन। ठीक है, इसको याद रखिए आप। डिसेंट्री, एक और आता है डिसेंट्री, पेचिस भी पैरासाइट की वजह से ही फैलता है। ठीक है, पेचिस भी पैरासाइट की वजह से फैलता है डिसेंट्री। इसके सिम्टम्स आपके कॉलरा डायरिया से मैच खा सकते हैं, पर जो है यह होता किसकी वजह से है? यह होता है आपका प्रोटोजोआ की वजह से डिसेंट्री। ठीक है, इसको याद रखें डिसेंट्री। एक और होता है जियार्डिसिस,
यह भी प्रोटोजोआ की वजह से ही होता है। जीआरडीसीज जो है किसकी वजह से होता है? प्रोटोजोआ की वजह से ही होता है। और पेचिस के लिए जो अगर आप जिम्मेदार करेंगे ठहराएंगे उसके लिए एंटामीबा, इसके लिए जिम्मेदार है कौन? एंटामीबा। तो यहां से आप देखिए, मलेरिया, स्लीपिंग सिकनेस, पेचिस, जीआरडीसीज, ठीक है। इसके बाद अगर मैं एक नाम और लिखूं, फाइलेरिया, फाइलेरिया, हाथी पांव, एलिफेंट फुट, हाथी पांव, फाइलेरिया, ये भी कहीं ना कहीं ये प्रोटोजोआ से ही फैलते हैं। तो आप इन नामों को बहुत अच्छे से याद करिए कि प्रोटोजोआ से होने वाले रोग कौन कौन से, मेनली मलेरिया, देन आपका पेचिस, स्लीपिंग सिकनेस, जीआरडीसिस, फाइलेरिया, हाथी पांव, यह सब परजीवियों के कारण फैलने वाले रोग हैं, प्रोटोजोआ से होने वाले आपके रोग हैं। क्लियर? तो यहां पर यह प्रोटोजोआ का सेक्शन जो है कंप्लीट हो रहा है, ठीक है। तो हम नेक्स्ट सेक्शन पर आते हैं, फंगस पर आते हैं, ठीक है, फंगस पर आते हैं। चलिए नेक्स्ट पर आते हैं, ये लास्ट है इसका, कवक, ठीक है। कवक पर अगर जरा देखें, फंगस, फंगल इन्फेक्शन था आपने सुना होगा। तो यहां से जो होने वाले रोग हैं जरा उनकी बात कर लेते हैं। दमा, खाज, दाद, यहां पर दाद आएगा, गंजापन एंड एथलीट फुट, एथलीट फुट, और भी हो सकते हैं, आप इनको इतना याद रखें, इतना बहुत है। देखिए, दमा, खाज, दाद, गंजापन, गंजेपन के लिए और भी कारण जिम्मेदार हो सकते हैं। कोई बहुत ज़्यादा अगर तनाव में है, डिप्रेशन में है, तो उसके लिए भी गंजापन हो सकता है, बाल झड़ने लगते हैं, सफ़ेद होने लगते हैं, वो अलग है इशू, ठीक है। लेकिन यहाँ पर अगर देखेंगे तो फंगस, फंगस से गंजापन होता है। एक रोग होता है फंगल इन्फेक्शन, मैं यहाँ थोड़ा बता दे रहा हूँ, जो लोग स्टूडेंट्स तैयारी कर रहे होते हैं, जनरली हो जाता है यार। आप अगर मास में रह रहे हैं कहीं पर, तो कहीं ना कहीं चीजें हो जाती है, उसको कहते हैं सोराइसिस, ठीक है। सोराइसिस के केस में क्या होता है? सोराइसिस के केस में आपके सर पे या कहीं पर भी चकत्ते पड़ने लगते, से सफेद रंग की, जैसे रूसी टाइप की पड़ने लगती है। वो एक्चुअली रूसी नहीं रहती है, रूसी बहुत माइनर रहती है, छोटी रहती है, पर जो सोराइसिस में जो निकलते हैं, स्किन जो निकलती है वो काफी बड़ी टाइप की निकलती है, ठीक है ना, जैसे जजट्ठा टाइप का छूटता है वैसा रहता है इसमें। और इसको आपको डॉक्टर को दिखा लेना चाहिए वहीं से, क्योंकि अगर आप नहीं दिखाएंगे तो जहां जहां सर पे होगा वहां पर गंजेपन होने का चांस बढ़ जाएगा आपका, वहां से बाल ही गायब होने लगेंगे धीरे धीरे फंगल इन्फेक्शन के कारण, और या फिर बाद में अपना इतना विकराल रूप धारण कर लेता है कि दिक्कतें होने लगती हैं। क्लियर? तो इसको थोड़ा याद रखेगा, सोराइसिस, गंजापन, दांत, खाज, दमा, एथलीट फुट। एथलीट फुट में क्या होता है? अगर आप सॉक्स बहुत देरी तक पहने रहें तो आप देखते होंगे जो उंगलियों के बीच में है सड़न चालू हो जाती है, ठीक है, उसी को कहा जाता है एथलीट फुट। उंगलियों के बीच में अगर बहुत ज़्यादा देर नमी है तो यहाँ पे फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और वहाँ पर जो है आपका इन्फेक्शन स्टार्ट हो जाता है। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा रोगों का मेनली जो आपके वायरस, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ और फंगस से होने वाले जो रोग हैं ये यहाँ पर समाप्त होते हैं। अब हम थोड़ा सा देखते हैं उन जनरल रोगों के बारे में जो कि जिनके लिए कोई बहुत उस तरह से कोई कारण नहीं है, इनमें से कोई कारण नहीं है, है ना। जैसे कैंसर के बारे में बात कर लेते हैं, बुलीमिया के बारे में बात कर लेते हैं, अथराइटिस के बारे में बात कर लेते हैं, जिनके लिए कोई प्रॉपर इस तरह से ये जिम्मेदार नहीं है, उसके लिए हो सकता है कोई रासायनिक घटक आपका जिम्मेदार हो, है ना, या कोई और चीज जिम्मेदार हो, तो उसके बारे में जरा हम डिस्कस करते हैं। चलिए थोड़ा सा देखते हैं इसमें क्या करना है। इसमें अगर मैं आपको बात करूं, कैंसर, कुछ जनरल चीजों के बाद बात कर रहा हूं, बुलीमिया, ब्लू बेबी सिंड्रोम, इनको अंग्रेजी नाम ही याद रखिए, आपको यही एग्जाम में आएंगे, इटाई इटाई, या इसे आउच आउच भी कहते हैं। अभी इन सब की बात कर रहा हूं मैं।
अगला अगर देखें तो अथराइटिस, ठीक है। तो आपको ये दिख रहे हैं कुछ कॉमन नेम्स हैं आपके, कैंसर, ब्लू बेबी सिंड्रोम, बुलिमिया, इटाई इटाई एंड आपका है अथराइटिस, इसके बाद फ्लोरियासिस, फ्लोरियासिस, इनकी बात जरा करते हैं क्योंकि इनसे भी सवालें पूछ ली जाती हैं आपकी। कैंसर, कैंसर में हम ब्लड कैंसर की यहां बात कर रहे हैं, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया भी बोला जाता है, क्या बोला जाता है, ल्यूकेमिया। ब्लड कैंसर होता तब है जब WBC की मात्रा अनियंत्रित हो जाती है, WBC की मात्रा RBC के मुकाबले अनियंत्रित होकर के बढ़ने लगती है, बहुत ज्यादा तेज बढ़ने लगती है। वैसे अगर देखेंगे नॉर्मली ब्लड में RBC के अगर कंपैरिजन में करें बात, तो जो WBC की संख्या होती है वह उसका मात्र 1% होती है आपकी। RBC की संख्या की अपेक्षा WBC की संख्या 1% के आसपास रहती है, लेकिन जब ल्यूकेमिया ब्लड कैंसर हो जाता है तो यह 1% नहीं रहता है, यह उससे ऊपर चला जाता है। तो यह RBCs को सुपर इम्पोज करने लगता है, दबाने लगता है। लोगों को लग सकता है कि WBC अगर बढ़ रही है, WBC का मतलब होता है, WBC का मतलब है वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं, यह आपकी एंटीबॉडी होती हैं, लड़ती हैं, यह एंटीबॉडी होती हैं, ये क्या काम करती हैं, बाहर से आने वाली जो फॉरेन पार्टिकल्स हैं, जो बाहरी चीजें हैं, उनसे यह आपको क्या करती है, लड़ती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता इंक्रीज करती है WBC। लेकिन ल्यूकेमिया के केस में ये जो इनका निर्माण जो अत्यधिक हो रहा है, हो सकता है ऐसा लगे कि अब तो और बढ़ना चाहिए हमारा, मतलब लड़ने की जो क्षमता है वह और इंक्रीज होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो नई सेल्स बनती हैं, यह पुराने सेल की तरीके कारगर नहीं होती हैं, यह उल्टा नुकसान करती हैं, ठीक है। तो ल्यूकेमिया में WBC की संख्या अनियंत्रित होकर के बढ़ने लगती है RBC के मुकाबले। WBC को ल्यूकोसाइट भी कहा जाता है, ये नाम याद रखा करिए आप, ल्यूकोसाइट कहा जाता है। WBC को एक नाम और बोला जाता है, उसको क्या बोला जा रहा है, ल्यूकोसाइट बोला जाता है। अगर यहीं हम एक बात और करें तो आपका RBC रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स, हम इसकी बात करेंगे आगे के लेक्चर्स में बहुत अच्छे से, लेकिन थोड़ा सा आप यहां पर देख लें, RBC रेड ब्लड सेल्स, इनको क्या बोला जाता है, एरिथ्रोसाइट्स, क्या बोला जाता है, एरिथ्रोसाइट्स। और इसी में आपको एक और नाम याद होगा, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स जो है आपकी, वो उनको बोला जाता है थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स, उनको बोला जाता है आपका थ्रोम्बोसाइट्स। तो WBC ल्यूकोसाइट्स, RBC एरिथ्रोसाइट्स, प्लेटलेट्स को क्या बोला जाता है, थ्रोम्बोसाइट्स। अंग्रेजी में ही आप नाम याद रखें तभी बेटर है आपके लिए, WBC ल्यूकोसाइट, RBC एरिथ्रोसाइट्स एंड प्लेटलेट्स को क्या बोला जा रहा है, थ्रोम्बोसाइट्स बोला जाता है। कैंसर, ब्लड कैंसर, उसको ल्यूकेमिया भी बोला जाता है। प्रभावित अगर अंग देखें तो इसमें क्या होगा, जहां पे बनती है वहीं पर होता है प्रभावित, बोन मैरो, बोन मैरो मतलब अस्थि मज्जा, क्या है भैया, अस्थि मज्जा, अस्थि मज्जा आपका प्रभावित होता है, ठीक है, कैंसर के केस में। इसके लिए इलाज के लिए रेडियो आइसोटोप्स इस्तेमाल होते हैं, लेकिन केसेस बड़े क्रिटिकल टाइप के होते हैं और यहां पर आपका इनका इलाज जनरली संभव नहीं है, पूरा बोन मैरो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, वो अभी भी इतना डोनर नहीं मिलते हैं, मिल भी जाते हैं तो ऑपरेशन सक्सेसफुल नहीं होता है, तमाम तरीके के रीजंस रहते हैं। तो जहां तक है 90% केसेस में मौत हो ही जाती है इसमें, है ना। चलिए नेक्स्ट आते हैं जरा हम बुलीमिया, बुलीमिया यह खाने का रोग है, क्या है भैया, यह खाने का रोग है। देखिए इसमें एक्चुअली क्या है, यह एक तरीके का मानसिक रोग है, इसमें पता नहीं लगता है आदमी को कि उसे खाते खाते कब रुकना है, है ना, उसे खाते खाते कब रुकना है उसको मालूम नहीं लगता, खाता रहता है, फिर पूरा जब पेट भर जाता है फिर उल्टी करेगा,
फिर खाएगा, फिर उल्टी करेगा, फिर ये इसी तरह से यह इस रोग में चलता रहता है। उसको मालूम ही नहीं लगता है कि उसे कब खाते खाते रुकना है। गांव देहात में थोड़ा कम लागू होता है ये, ठीक है, ढेर बन के खाते रहते हैं लोग, वो अलग इशू है ना। तो यहाँ पर खाने का ये रोग है, खाने का रोग मालूम नहीं लगता है कि उसे खाते खाते कब रुक जाना है। तो यह बुलिमिया जो है खाने का रोग है। इधर आता है यार ब्लू बेबी सिंड्रोम। जब मैं नाइट्रोजन की क्लास ले रहा था तो मैंने वहां पर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया हुआ था। ब्लू बेबी सिंड्रोम होता क्या है, जब छोटे बच्चों के शरीर में नाइट्रेट्स की मात्रा बढ़ जाती है, हो सकता है वो पानी के थ्रू चला गया हो, है ना, जहां तक है कि उसी के थ्रू जाता ही है, कोई घुट्टी तो पिलाएगा नहीं कि ले भैया नाइट्रेट पी ले, है ना। तो पानी के थ्रू जब उसके शरीर में नाइट्रेट्स की मात्रा अधिक हो जाती है तो ऑक्सीजन का लेवल उसके शरीर में घटने लगता है, और ज्यो ज्यो ऑक्सीजन का लेवल उसके शरीर में घटने लगता है उसका शरीर नीला पड़ने लगता है, अशुद्ध रक्त की मात्रा बढ़ने लगती है, इस वजह से नीला पड़ने लगता है। उसी को कहा जाता है ब्लू बेबी सिंड्रोम। तो ब्लू बेबी सिंड्रोम के लिए जो मुख्य कारण है वो है भैया आपका नाइट्रेट, ठीक है। नाइट्रेट पानी के थ्रू पहुंच सकता है, पानी में कहां से पहुंचेगा, पानी में पहुंचने के भी तमाम तरीके के साधन है। मान लीजिए कोई खाद की फैक्ट्री है, वहां से जो वेस्ट निकल रहा है वह पानी में चला गया और वहां से लोगों ने पीने के लिए इस्तेमाल कर लिया। खेतों में यूरिया डाली जाती है, वहां से छन करके धरातल के पानी में चला गया, वहां से समरसेबल के थ्रू ऊपर आ गया और वहां से लोगों ने उसको ग्रहण किया। तो नाइट्रेट्स इस तरह से शरीर में पहुंच जाता है। अगर इसकी मात्रा बहुत अधिक हो गई तब जाकर के ब्लू बेबी सिंड्रोम नामक रोग होता है, ठीक है। नेक्स्ट पर आते हैं जरा, इटाई कैडमियम सीडी। कैडमियम की मात्रा शरीर पे बढ़ने पर क्या होता है कि जो हड्डियां हैं, हड्डियां इतनी कमजोर होने लगती हैं कि जरा सा भी चोट वगैरह लगने पर टूट भी सकती हैं और इनमें बराबर जो है दर्द बना रहता है, आउच। इसीलिए आउच आउच लिखा हुआ है कि अगर कोई जरा सा भी कहीं, मतलब अगर आपको टच भी कर रहा है तो आपको ऐसा लगेगा कि पेन होने लग रहा है, अब वह कैडमियम की वजह से होता है, ठीक है। कैडमियम का कई जगह इस्तेमाल होता है, बैटरीज में इस्तेमाल करते हैं, यहां तक कि मॉडरेटर में इस्तेमाल किया जाता है। मॉडरेटर आपने सुना होगा, मंदक के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। नाभिकीय संयंत्रों में इस्तेमाल किया जाता है, जो नाभिकीय प्रक्रिया चल रही है उसको धीरे करने के लिए या रोकने के लिए कैडमियम की छड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। तो शरीर में कैडमियम की मात्रा बढ़ने पर इटाई इटाई नामक रोग होता है, जिसमें हड्डियां कमजोर होने लगती हैं। इस पर आते हैं जरा, फ्लोरियासिस फ्लोरीन की वजह से होता है। दांत आपके क्या है, अगर इसकी मात्रा ज्यादा बढ़े तो दांत घिसने लगते हैं, इनका क्षरण होने लगता है, पानी के थ्रू ही ये पहुंचते हैं। जहां पर पानी में फ्लोरीन की मात्रा बहुत अत्यधिक बढ़ जाती है वहां पर यह रोग होता है। दांत से यह लेना देना है इसका, बक्कल कैविटी जो है आपकी, वहां पर क्या होगा, यह दांत ऊपरी पार्ट जो है उसका घिसने लगेगा, उसका क्षरण होने लगेगा फ्लोरियासिस में, क्लियर। और अथराइटिस, इसको गठिया भी कहते हैं, गठिया खासकर बुजुर्गों में होता है, इसके बारे में थोड़ा सा सुन लें। गठिया नामक रोग यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। किस अम्ल के जमाव के कारण होता है, यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है। थोड़ा सा मैशअप करके लिखा हूं, पर अगर आप पूरा लेक्चर ध्यान से देखेंगे तो आपको पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा कहां पर किस तरह से इसका आप पूरा का पूरा लेक्चर मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अर्थराइटिस की बात कर रहे हैं, गठिया रोग जो होता है यूरिक अम्ल के जमाव के कारण शरीर में होता है, खासकर बुजुर्गों में होता है। या क्यों होता है, क्योंकि जैसे जैसे एज होने लगती है वैसे वैसे जो मानव शरीर में कुछ अंग हैं वह अपना कार्य उस तरह से नहीं करते जितना यंग एज में करते हैं। तो यहां पर आपका यूरिक अम्ल से जो लेना देना है अंग का वह है किडनी गुर्दा। बुजुर्गों में गुर्दा जो है उसकी कार्य क्षमता हल्की सी जो है वह कम हो जाती है, जिसकी वजह से वह यूरिक अम्ल को शरीर से बाहर सही से नहीं कर पाता है। और जब यह इकट्ठा होने लगता है उन जोड़ों पर या जोड़ों पर इकट्ठा होता है तो वहां से आपका गठिया रोग का शुरुआत होता है। तो अर्थराइटिस कहते हैं गठिया को, यूरिक अम्ल के जमाव के कारण होता है, गुर्दे अपनी कार्य क्षमता जो उनकी थी पहले उससे कम हो जाती है, इस वजह से इसको बाहर नहीं कर पाते हैं, और बाहर नहीं कर पाते हैं जिसका जमाव इंक्रीज होने लगता है,
ठीक है, और वहां से इस रोग की शुरुआत हो जाती है। एक आपने सुना होगा मांसपेशियों में जो दर्द होने हो जाता है, या बहुत ज्यादा अगर आप थक जाते हैं तो मांसपेशियों में दर्द होने लगता है, वो होता है लैक्टिक अम्ल के कारण। किस अम्ल के कारण होता है भैया? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। तो कृपा करके यहां पर अर्थराइटिस को इससे मत रिलेट करिएगा। लैक्टिक अम्ल के कारण मांसपेशियों वगैरह में बहुत ज्यादा थकान होने पर दर्द होना स्टार्ट हो जाता है, वह किसकी वजह से होता है? लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, लैक्टिक एसिड के कारण होता है। बहुत ज्यादा थक गए हैं आप तो वहां पर जो शरीर में पेन रहता है वह लैक्टिक अम्ल के कारण रहता है। तो यह कुछ एक्स्ट्रा रोग हैं जिनका वायरस फंगस इन सबसे लेना देना नहीं है, इनके लिए आप देख रहे होंगे प्रॉपर कोई ना कोई इस तरह से कंपाउंड जिम्मेदार है, कोई ना कोई तत्व जिम्मेदार है, तो इनको भी आप याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लिए जाते हैं। ठीक है, तो यहां पर रोगों का ओवरऑल सेक्शन हम कंप्लीट कर रहे हैं, बाकी हम देखेंगे कि किस तरह से आगे आने वाली, अगर कहीं एकाध दुक्का रह जाएंगे तो हम उसको बीच के लेक्चर्स में डील कर लेंगे, पर हालांकि यहां तक ओवरऑल सारी चीजें निपट गई हैं। ठीक।